पाकिस्तानी ड्रामास फरियाद फरियाद के आज के एपिसोड में फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अनम आखिर मलका और शहजादगी की शादी में पहुँच ही जाती है, और वो शादी में कैसे पहुँचती है। वो शादी में इस तरह से पहुँचती है क्योंकि उसका कांटेक्ट हरून से होता है, और जैसे ही वो शादी में आकर कहती है कि मैं मुराद की बीवी हूँ, तो यहाँ पर सब मेहमान महनूर हरून महनूर की बहन महर मुराद और सब के सब परेशान के परेशान हो जाते हैं। मुराद तो फौरन से हारून का गिरेबान पकड़ लेता है कि तेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। जी दोस्तों, ये सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ है। अनम ने हारून के साथ प्लानिंग कर रखी थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महनूर की ये बातें सोच सोच के बेहद तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको लिवर पेन आ जाती है। यहाँ पर अभी घर में किसी को नहीं पता, जहाँ महनूर की ये नंद ये सोच रही है कि महनूर का बच्चा होते साथ ही मेरी गोद भर जाएगी और मेरा घर बच जाएगा, वहाँ दूसरी तरफ मुराद ने अपना ही बच्चा बेच दिया है क्योंकि मुराद को 4 करोड़ रुपए पूरे करने हैं और उसने किसी तरह भी ये पैसे पूरे करने हैं, और उसने इस पैसे के लालच में आके अपना बच्चा भी बेच दिया, और वहाँ पर महर की भी शादी करवाने पे तुला पड़ा है क्योंकि उसने तैमूर से भी पैसे लिए रखे हैं। यहाँ पर अनम शादी में आकर सबके सामने कह देती है कि मैं मुराद की दूसरी बीवी हूँ, कि ये सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। ये सारा कुछ एक प्लान के साथ हुआ क्योंकि मुराद जब अनम के पास पहुँचता है तो अनम को फ़ोन आता है हारून का, और अनम झूठ बोल देती है कि सिदरा का फ़ोन है। यहीं पे मुराद को थोड़ा सा शक तो हो जाता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो खुद ही इस कटहरे में डूबने वाला है। आगे इस ड्रामे में क्या होगा जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।